योगी होंगे अगले पीएम। बीजेपी दे रही शोकी को प्रचंड जीत का इनाम। पीएम मोदी के बाद पद के दावेदार होंगे योगी। भाजपा के अंदर और बाहर ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। तो क्या योगी पीएम पद के दावेदार होने जा रहे हैं और भाजपा इसका संकेत खुद दे रही है। जी चर्चाओं में दम हुआ तो योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने के कई मायने सामने आएंगे। ये मायने हैं क्या और इसके संकेत और संदेश क्या हैं वो बताएंगे आपको, मगर पहले बीजेपी के इस बोर्ड की ताकत और मायनों को समझ लीजिए। दरअसल ये बोर्ड बीजेपी का सबसे बड़ा और शक्तिशाली बोर्ड है, जहां संगठन के स्तर पर तमाम बड़े फैसलों पर यही बोर्ड आखिरी मोहर लगाता है। आखिरी मोहर इसलिए क्योंकि इस फैसले के बाद संगठन के भीतर कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। संसद से लेकर राज्यों को लेकर यही बीजेपी का बोर्ड व्यापक नीति तैयार करता है। मौजूदा समय में इस बोर्ड में देश के सबसे बड़े चेहरे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष को मिलाकर कुल 7 सदस्य हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी के संसदीय बोर्ड में फिलहाल 4 पद खाली पड़े हैं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के निधन के बाद इन पदों पर किसी और की नियुक्ति नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये पद खाली है। वहीं थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद उनकी जगह भी खाली है। ऐसे में कुल इतना समझिए कि 11 सदस्य संसदीय बोर्ड में हैं। फिलहाल 4 पद खाली हैं। अब ये समझिए कि योगी को संसदीय बोर्ड में जगह मिलना क्यों बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि पीएम पद की दावेदारी से पहले नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। याद होगा आपको, योगी से पहले शिवराज सिंह चौहान को भी इस टीम में शामिल किया जा चुका है। वैसे भी देश में सबसे ज्यादा 80 सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को इस रेस में काफी आगे माना जा रहा है। यूपी में लगातार दूसरी बार प्रचंड जीत का रिकॉर्ड बनाने की बात, उनकी दावेदारी प्रधानमंत्री के पद के तौर पर और मजबूत हो जाती है। अब उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे योगी के मोदी की राह पर बढ़ने से जोड़कर देख रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब योगी पीएम मोदी के बाद दूसरे बड़े चेहरे देश के बन चुके हैं और बीजेपी के भीतर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।